फुलवारी शरीफ में दो बच्चियों से दरिंदगी, एक की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। पटना के फुलवारी शरीफ में दिल दहला देने वाली घटना में दलित परिवार की दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर सामूहिक यौन उत्पीड़न किया गया। दुखद बात यह है कि इनमें से एक लड़की की जान चली गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। वहीं बच्चियों से दरिंदगी के मामले में हंगामा बढ़ता जा रहा है। लोगों द्वारा घटना को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं मामले पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए एक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है। इस घटना में एक बच्ची की मौत हो गई और दूसरी बच्ची अभी पटना एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। फर्दर एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं। इसमें पूछताछ के क्रम में ये भी बात आई, जब हम लोग कल इनसे पूछताछ कर रहे थे तो इन्होंने पुलिस को जो है बहकाने की भी कोशिश की, दो व्यक्तियों का नाम बताया, लेकिन आगे अनुसंधान के क्रम में उसमें एक और महत्वपूर्ण बात प्रकाश में आई कि जिस व्यक्ति का ये नाम बता रहे थे, जो बता रहे थे कि इनके साथ घटना में शामिल है, उसकी बच्ची को भी इन्होंने जो है 3-4 महीने पहले गोद में उठा के ले जाते हुए देखा था, लेकिन उसकी माँ ने देख लिया था और उसके बाद शोरगुल करके उसको बचाया था और उस संबंध में भी गांव वालों ने इनके साथ कुछ हल्की फुल्की मारपीट और गाली गलौज किया था, लेकिन इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। उसी के परिवार से जुड़ा एक और व्यक्ति का नाम इनके द्वारा बताया गया था, लेकिन बाद में अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि उस व्यक्ति की माँ को एक घटना हुई थी फुलवारी शरीफ में 19 अप्रैल को, जिसमें फुलवारी शरीफ में केस नंबर 590-23 अंकित है, जिसमें एक 72 साल की महिला को वो अपने घर के दलान में सोई हुई थी, वहां से घर से खींच के जो है उसको ले जाया गया था और उसके बाद उसका शव जो है मिला था, उसमें भी उसके सर पे पत्थर से मार के या किसी मजबूत चीज से मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने उस घटना में भी अपनी संलिप्तता अकेले ही करने के बाद बताई। उस घटना में भी हम लोग को काफी आश्चर्य होता था क्योंकि 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए गए थे, तो हम लोग उससे पूरी घटना को समझ नहीं पा रहे थे कैसे 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए, लेकिन अभियुक्त ने पूछताछ में जब पूरी बात बताई तो उस महिला को ये जो है पहले उसको जो है प्लास्टिक के पाइप से मारा, जब अर्ध चेतन अवस्था में हो गई तो उसको बगल के बाग में ले जाके उसके साथ भी इनके द्वारा रेप किया गया था, लेकिन हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कोई उल्लेख नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पूछताछ के क्रम में इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और फिर पुनः जो है उसको ला के वापस अपनी जगह रखने का प्रयास किया गया था खींच के, इसीलिए वो 3 जगह ब्लड मिला था। और जो हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हैं तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के जो पिछला शरीर का हिस्सा उसमें काफी जगह इस तरह के इंजरीज पाए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसको काफी जो है जमीन से पीठ के बल खींचा गया था। तो उस घटना में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, उस घटना को भी हम लोग अब फिर से जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन जो हमारा रुका हुआ था उसको फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार जो पटना पुलिस ने इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया, जो पीड़ित बच्ची है उसका भी स्टेटमेंट हम लोगों ने ले लिया, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तो फिर विस्तृत स्टेटमेंट लेकर 164 का स्टेटमेंट कराया जाएगा और आगे जो अनुसंधान है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस केस में कि पूरा इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो इसमें जो एविडेंस हम लोग कलेक्ट किए अभी तक घटना स्थल से और एम्स से जो हमको डॉक्टर्स ने दिया है, तो हम लोग इस बात के लिए पूरी तरह से विश्वस्त आश्वस्त हैं कि साइंटिफिक एविडेंस के बल पर हम लोग शीघ्र ही इस घटना में जो दोषी है उसको। बच्चियों से दरिंदगी पर बड़ा बवाल, पुलिस पर पथराव, सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन, विपक्ष ने सरकार और प्रशासन पर उठाए सवाल। दरअसल बीते 8 जनवरी को दो महादलित लड़कियों का कथित तौर पर अपहरण कर उनके साथ गैंगरेप किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां फुलवारी थाना क्षेत्र स्थित अपने घर से लकड़ी चुनने निकली थीं, जो देर शाम तक घर नहीं पहुंची, जिसके बाद घर वालों ने इसकी सूचना फुलवारी शरीफ थाने को दी। वहीं 9 जनवरी को दोनों को बरामद किया गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो चुकी थी और दूसरी बच्ची की स्थिति काफी दर्दनाक थी, जिसे पटना एम्स में भर्ती कराया गया था, अभी उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी आक्रोश था। गैंगरेप और हत्या के आरोपियों तक पुलिस के ना पहुंच पाने से लोगों में काफी गुस्सा था। पुलिस टीम पर हमला भी किया गया था, सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन हुए। राजनीतिक दलों ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। लोगों में है दहशत का माहौल, गांव में बड़े पैमाने पर जवानों की तैनाती। वहीं फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के हिंदुनी गांव में अभी भी भय और दहशत का माहौल व्याप्त है।
लोग अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। प्रशासन ने अपनी तरफ से गांव की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया हुआ है और असुरक्षा का माहौल दूर करने के मकसद से गांव में भी जवानों की बड़ी पैमाने पर तैनाती की गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अभियुक्त से आगे की पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।